इधर शूटर की गोली से शिंजो आबे धड़ाम से नीचे गिरे, उधर चीनी सोशल मीडिया ने एक बार फिर दिखा दिया कि किस हद तक नीचे गिर सकते हैं पूरी दुनिया और खास तौर पर एशिया के देश। जब जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर हमले के बाद सदमे में डूबी थी, तब चीन का सोशल मीडिया उनसे जुड़े भद्दे मजाक और कमेंट शेयर कर रहा था। जब दुनिया भर के नेता शिंजो आबे की सेहत में सुधार के लिए दुआएं मांग रहे थे, तब चीनी सोशल मीडिया में इस घटना से जुड़े भद्दे मजाक और चुटकुले शेयर किए जा रहे थे। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स इस अफसोसनाक घटना का जश्न मना रहे थे, तो वहीं कुछ इसकी तुलना अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति कैनेडी की हत्या से जोड़ के कर रहे थे। वीवो ऑल वी चैट पर एक यूजर ने लिखा, क्या इनकी हत्या हो गई है? दूसरे ने लिखा, ये एंटी जापानी हीरो कौन था? एक यूजर ने तो यहाँ तक लिखा, क्या कोई हत्या, क्या कोई बता सकता है कि वो हमलावर कौन है? मैं इसे कुछ पैसे भेजना चाहता हूँ। एक यूजर ने अमेरिका में गोलीबारी से तुलना करते हुए लिखा, जापान का अमेरिकीकरण हो चुका है। इसी तरह कुछ यूजर ढोल नगाड़े बजाने की शर्मनाक कमेंट कर रहे थे, तो कुछ बधाई दे रहे थे। बेशरम और बेरहम चीनी शिंजो आबे की मौत की दुआ मांग रहे थे, पूछ रहे थे, गोली बयां सीने में लगी या दाएं सीने में लगी? आबे हैज नो वाइटल साइंस, हैशटैग यानी शिंजो के शरीर ने काम करना बंद कर दिया है, हैशटैग वीडियो पर ट्रेंड करने लगा। इसी के तहत एक के बाद एक भद्दे ट्वीट किए जा रहे थे। कुछ यूजर तो ये चाहते थे कि आबे के साथ जापान का मौजूदा प्रधानमंत्री भी उनकी भी हत्या हो जाए। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर चीन के लोगों में जापान और खास तौर पर शिंजो आबे को लेकर इतनी नफरत क्यों है? तो दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के संबंध भारत और ताइवान के साथ बेहद करीबी हैं। ये करीबी चीन के लोगों को पसंद नहीं थी। यही नहीं, शिंजो आबे ने ही क्वाड की शुरुआत की थी जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत और जापान शामिल हैं। और इसी क्वाड को चीन के लोग इसे अपने खिलाफ बड़ी मोर्चाबंदी मानते हैं। इतिहास गवाह है कि दूसरे विश्व युद्ध से पहले चीन जापान के बीच जब भी युद्ध हुआ, जापान ने उसके बड़े हिस्से पर कब्जा जमा लिया था, मगर दूसरे विश्व युद्ध में हार के बाद जापान पर पाबंदी लग गई। शिंजो आबे ने जापान की शांतिवाद संविधान को बदल कर रक्षा और विदेश नीति पर जापान को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की। ऐसे में चीन को फिर से जापान से खतरा महसूस हो रहा था और शायद यही वजह रही होगी कि चीनी लोग जापान के हर नुकसान का जश्न मनाने की हरकतों पर उतर आते हैं।